हाय गाइस, देवा हेयर। वेलकम टू माय चैनल देवास ब्लॉग। कैसे हो आप सब? तो यार, मैं फ्लिपकार्ट में ऐसे बहुत सारे गोरिल्ला प्रोडक्ट को देखा है। मैंने ज़्यादातर देखा है कि 200-250 में फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मेरे को 7000 में एक गोरिल्ला पॉड मिला है और वो मैंने ऑर्डर किया था और आज मुझे मिल भी गया। लेकिन गाइस, 200-250 में जो गोरिल्ला पॉड है, इन सब गोरिल्ला पॉड का लास्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना ही है। इसके बाद वो एकदम बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन गाइस, जब मैंने इसको हाथ में लिया तो मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। सच में, ये देखिए मैं कैसे हिला रहा हूँ इसको। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, बहुत ही हल्का है। अगर 700 में मुझे ये इतना हल्का लग रहा है, तो जो 200-250 में है वो तो और भी बहुत हल्का होगा, टोटली बेकार का होगा। ठीक है, तो हल्का ही सही। अभी मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा और आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करूँगा, क्योंकि मैंने इसका पैकेट अभी तक खोला नहीं है। तो आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगा और देखूँगा इसके अंदर क्या क्या है। और आप इसका MRP देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर 6 आपको दिख रहा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर 699 रुपीज़ है इसका प्राइस। ठीक है, तो अभी मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ। अनंत जाओ, कैंची लेके आओ, कैंची लेके आओ। अच्छा, हाँ लेके आओ। अच्छा, मैं और ये देखो, और एक बंदर, ये बड़ा बंदर, ये छोटा बंदर। बाय द वे, इसको अनबॉक्स करते चलो। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरा जो टेबल है बहुत ही छोटा है, तो इसी एरिया में मुझे इसका अनबॉक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अनंत तुम यहाँ पर दिखाना। ठीक है, तो इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। भाई बहुत, भाई जल्दी खोलो। अरे यार, हाँ हाँ, इधर से इसका जॉइंट यहाँ से है। चलो 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 चलो। अरे शिट, अरे यार, कर जाना जल्दी से। अच्छा, जैसे तैसे मैंने इसको खोल दिया। दिख रहा है क्या कैमरा में? ये दिखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले निकलता है यहाँ पर मेरा गोरिल्ला पॉड। और अच्छा, इसके अंदर कोई मेमो वगैरह नहीं है, जो किताब वगैरह रहता है वो मेरे को नहीं मिला। अच्छा छोड़ो, इसको छोड़ते हैं। और अब इसको मैं, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं इसको रिटर्न करने वाला हूँ। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको? ठीक है, इसको मैं रिटर्न करूँगा। तो ये देखिए, ये सीन कुछ ऐसा रहता है इसका। और ये बहुत ढीला लग रहा है मेरे को, पहले से ही पता था कि ये कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो ये मेरे को बहुत ही ढीला लग रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो मैंने ऑर्डर किया था उसमें ब्लूटूथ सिस्टम कुछ था, यहाँ पर ब्लूटूथ का कुछ सिस्टम था, एक बॉटम था। इसको आप निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसकी मदद से आप इस ट्राइपॉड को ये दूर पे रख के आप उस बॉटम की मदद से आप मतलब फ़ोटो खींच सकते हैं। तो वो मेरे को मिसिंग लगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये जो माउट है, ये ऐसा नहीं था। मैं जो ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट में, जाके मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसमें भी पूरा गड़बड़ लग रहा है और इसमें कुछ है नहीं। और इसके अंदर यूज़र मैनुअल भी रहता है, वो भी मेरे को नहीं मिला। ठीक है, एक किताब रहता है ना, वो भी मेरे को नहीं मिला। तो मैं इसको अभी रिटर्न कर दूँगा। तो ये फ्लिपकार्ट वालों ने मेरे को, और ये देखो इसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पुराना है। तो ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ। मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत कुछ मंगाया है, ठीक है, बहुत कुछ खरीदा है फ्लिपकार्ट से, ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको रिटर्न कर दूँगा। 7 डेज है इसका रिप्लेसमेंट। तो ये था कुछ अनबॉक्सिंग, और अभी मैं फ्लिपकार्ट में जाके आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाऊंगा कि कौन सा मैंने ऑर्डर किया था। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपना फ्लिपकार्ट खोला, और फ्लिपकार्ट खोलने के बाद मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो माय ऑर्डर। तो मैंने माय ऑर्डर पे क्लिक किया, ये थोड़ा लोडिंग हो रहा है, बस आ ही जाएगा। माय ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद मैंने ये देखिए डिलीवर्ड टुडे, मतलब ये आज ही डिलीवर्ड हुआ है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इसका प्राइस है 699। ठीक है, और
वो देखने में कैसा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मेरे को मिला कौन सा आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो माउंट है वो कुछ अलग अलग है, और जो मेरे को मिला वो मैं यहाँ पर स्क्रीन में एक फ़ोटो दे दूँगा, आप उस फोटो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर माउंट देखिए जिसमें मैं अभी टच कर रहा हूँ, तो ये कुछ देखने में ऐसा है, लेकिन मेरे को जो मिला वो मैं आपको आपके सामने मैंने अनबॉक्सिंग किया है, फिर से मैं आपको एक फ़ोटो दे दूँगा। तो कहीं ना कहीं फ्लिपकार्ट बहुत चीटिंग करता है, और सच बताऊँ तो ये मेरा लास्ट ऑर्डर है फ्लिपकार्ट से, आगे से मैं कभी फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं करूँगा, अगर करना ही है तो अमेजन से करूँगा। कभी कभार अमेजन से अच्छा जो हम उम्मीद नहीं करते उससे बेटर मिल जाते हैं हमें। तो आप अमेजन से कुछ भी खरीदो, एक यूज़र मैनुअल रहेगा ही रहेगा, और साथ में जो मेमो होता है वो भी मिलता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला। आपके सामने मैंने अनबॉक्स किया था इसको, और ये सच बता रहा हूँ ये लास्ट ऑर्डर है मेरा फ्लिपकार्ट से। आपको ये कहना चाहता हूँ अगर आपको लेना ही है तो यार अमेजन से लो, और भी काफ़ी सारे ई कॉमर्स साइट है उससे भी आप खरीद सकते हो। फ्लिपकार्ट को इग्नोर करो यार, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों के साथ फ्लिपकार्ट चीटिंग करता है, और मुझे आज सच में बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं दो दिन बाद गुवाहाटी जाने वाला हूँ, और मुझे एक अच्छा खासा गोरिल्ला ट्राइपॉड चाहिए ताकि मैं अच्छे से ब्लॉगिंग कर सकूँ। इसके लिए मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन ये एकदम बेकार का रहा। तो बाकी आप ही बताना कमेंट में कि आपको क्या फील हुआ इस वीडियो से, आपको क्या समझ में आया कमेंट में ज़रूर बताना। और अब मुझे लग रहा है इस वीडियो को यहाँ तक रखना चाहिए, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, और साथ ही मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल का घंटी है वो भी दबा देना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, बाय।